हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, आप सभी बच्चों को मालूम भी है कि कल से यानी 26/9/2022 से आप सभी बच्चों का स्क्रूटनी और रिजोल्यूशन अर्थात रीचेक के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इस बीच बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और बहुत सारे बच्चे, अभी नीचे मैं एक और बच्चे का कमेंट दिखाऊंगा जिनकी ईयर बैक लगी है, उनके लिए है। फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं स्क्रूटनी और रिजोल्यूशन के लिए। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए कि आपकी बैक वगैरह लगी है, आपको लगता था कि हाँ आपने पेपर बहुत अच्छा किया था, तो आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है या फिर आपका रिजोल्यूशन का फॉर्म भरना है, दोनों में आपको कौन सा भरना है, कौन सा बेटर रहेगा। सारी फीस वगैरह मैंने पिछली वीडियो में बता रखी थी, बता दी है कि कितनी फीस लगती है किसके लिए। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि स्क्रूटनी के लिए 60 रुपया, रिजोल्यूशन के लिए 500 रुपया। इस चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो पैसा कम भी लगेगा और यहाँ पे अपना काम भी हो जाएगा, यानी कि 60 रुपये में ही अपना काम हो जाएगा, अपना बैग क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे पहले इन्होंने कमेंट किया 4 मिनट पहले का, पहले ये कमेंट किया फिर ये कमेंट किया। और ये जानकारी इसलिए आपको देनी पड़ती है, बच्चे कई सारी चीज़ें कमेंट करके अपने में रिप्लाई वगैरह दे करके वहाँ पर भी सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि हाँ चलो स्क्रूटनी में भी या फिर रिजोल्यूशन में भी मेरा नंबर बढ़ जाएगा और पैसे भी कम लगेंगे जिस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई, सभी स्क्रूटनी फॉर्म भरना, नंबर 100% बढ़ेगा और पैसा भी कम लगेगा। इनके कहने का मतलब है कि स्क्रूटनी का अगर आप फॉर्म भर दे रहे हैं तो आपका पैसा कम लगेगा, जाहिर सी बात है पैसा तो कम लगेगा और नंबर भी बढ़ जाएगा। मतलब इनके सीधे कहने का मतलब है कि जैसे रिजोल्यूशन में चेक होता है वैसे भी स्क्रूटनी में चेक होता है। आप अगर स्क्रूटनी का फॉर्म भर दे रहे हैं तो 60 रुपया ही लगेगा, मतलब पैसा कम लगेगा और आपका नंबर 100% बढ़ेंगे। और यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया कि मेरी बस 2 में बैक है और पेपर बहुत अच्छा गया था, यानी कि इनका पेपर बहुत अच्छा गया था और इनकी बस 2 में बैक है और ये सोच रहे हैं कि हम स्क्रूटनी का फॉर्म भर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले सारी चीज़ों को समझ लीजिए। और एक और बच्चे का यहाँ पे कमेंट है, इसको देख लेते हैं फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, शिवम कवात्रा, या लगभग 1 घंटे पहले का इन्होंने कमेंट किया हुआ है। सर, मेरे कॉलेज में ईयर बैक, यानी कि जो ईयर बैक लगती है फेल कर लीजिए, ईयर बैक वाले स्टूडेंट से टीचर्स कह रहे हैं कि 15K यानी कि 15,000 रुपये दो और पास हो जाओगे। देखिए, अब इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है कि ये स्टूडेंट कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब और सच में इनके कॉलेज से मांगा जा रहा है या फिर नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ों में आप फ्रॉड की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। सपोज करिए कि आपको आपने 15,000 रुपये दे दिए और हो सकता है मान लीजिए कि आपका क्लियर ना हो, यानी कि आपका क्लियर ना हो तो फिर वो पैसा भी डूब जाएगा आपका। और इस जानकारी को आप रूबरू हुई यानी कि उजागर भी नहीं कर सकते कि हाँ इसने मुझसे 15,000 रुपये लिए पास करने के लिए। जाहिर सी बात है उसमें आपकी भी गलती, आपने दिया क्यों आखिर, आप भी फ्रॉड के चक्कर में थे। मान लीजिए कि आपने टीचर, कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, चाहे फ्रॉड कहिए या फिर टीचर कहिए, किसी के बहकाव में आप नहीं आएंगे कि हाँ 15,000, 20,000, 30,000 रुपये दो, हम आपकी ईयर बैक वगैरह क्लियर करा देंगे। ठीक है, बोर्ड से ये सारी चीज़ें होती नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है इसमें और आप फंस भी जाएंगे आगे चल के। तो इन सब चीज़ों में ना रहेंगे, कोई भी आपसे कहे कि बैग क्लियर करा देंगे, ईयर बैग क्लियर करा देंगे, तो इस चक्कर में आप नहीं रहेंगे बिल्कुल। जो आपका लीगल वर्क है उस तरीके से आप कार्य करेंगे, इलीगल वर्क कोई नहीं करेगा कि हाँ चलिए साइड से हम कहीं से हो जाएगा, और साइड से होगा भी नहीं, जाहिर सी बात है साइड से होगा भी नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में तो आप बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते चलेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स का ये जो कमेंट है, भाई सभी स्क्रूटनी फॉर्म भरना, नंबर 100% बढ़ेगा और पैसा भी कम लगेगा। तो मैं इन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि देखिए स्क्रूटनी के फॉर्म में होता क्या है, जो भी आपका एग्जामिनर या फिर जो भी आपका टीचर पहले की कॉपी चेक किया रहता है, उसने जो भी मार्क्स दिए हैं हर एक पेज पे उसको बस ऐड किया जाता है, अदरवाइज जो फर्स्ट पेज पे उसका डाटा होता है उसको मिला लिया जाता है कि हाँ उसने सही ऐड करके सही नंबर दिया है या फिर नहीं। अदरवाइज आप कॉपी किस बेस पे चेक कराते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमने 50 में 40 नंबर का किया होगा, हमें नंबर कम मिला है। अब जब आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दे रहे हैं तो आपकी कॉपी के नंबर केवल आउट, जो ऊपर नंबर होते हैं उसको ऐड कर लिया जाएगा। ये नहीं कि आपने किसी क्वेश्चन को किया है उस पर आपको किसी एग्जामिनर ने मतलब टीचर ने 2 नंबर दे दिया है और आपने 5 नंबर में 4 नंबर लाइक किया था, तो आपका वहाँ पर स्क्रूटनी में वो डाटा सही नहीं पाएगा, यानी कि वो क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिला है तो 2 ही नंबर रह जाएगा, 4 नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहूंगा, अगर आपको अपनी बैक, भले ही बैक क्लियर हो या फिर ना हो, पैसा ज्यादा लगे या फिर जैसे भी लगे, आपको फॉर्म भरना है रिजोल्यूशन का यार। ठीक है, इसलिए कि आपको मालूम नहीं है, आप अपने कॉन्फिडेंस, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने कुछ ज्यादा किया था, नंबर कम मिला है, तो जाहिर सी बात है आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो भी आपका 60 रुपया मतलब समझिए कि सादे में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपको रिजोल्यूशन का फॉर्म भरना है, सभी बच्चों को रिजोल्यूशन का फॉर्म भरना है, 500 रुपये उसकी फीस है। और रिजोल्यूशन में यह होगा कि जो पहले आपके एग्जामिनर ने कॉपी चेक की है उसको पूरा कट कर दिया जाएगा, यानी कि पिछला से कोई मतलब नहीं है, आपकी कॉपी नए सिरे से जांच की जाएगी, समझिए कि पहली बार जांच की जा रही है,
उस तरीके से जांच की जाएगी। अगर आपका एग्जामिनर जो इस बार चेक करेगा वो अच्छा रहा, अच्छा निकला और उसको क्वेश्चन अच्छा लगा, जैसे मान लीजिए कि कई टीचर होते हैं कई तरीके की सोच रखते हैं, कई तरीके से अपनी कॉपी को जांच करते हैं, तो मान लीजिए कि पहले वाले ने चेक किया तो उसको थोड़ा सा अजीब तरीके का लगा, उसने आपको एक नंबर या फिर दो नंबर दे दिया, वही जो दूसरा टीचर चेक करेगा उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा, तो वो दो की जगह पर तीन नंबर दे देगा या फिर चार नंबर दे देगा। ये सब काम केवल रिवोल्यूशन के फॉर्म में ही होते हैं। अगर आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, रिवोल्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो स्क्रूटनी का किया है तो आपको कोई फायदा नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि स्क्रूटनी बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़ते हैं या फिर घटते हैं उतने ही आ जाते हैं। रिवोल्यूशन का आप फॉर्म भरेंगे, हाँ ये बात सही है कि बहुत सारे बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको दिक्कत होती है, फिर भी आप कैसे ही मैनेज करके रिवोल्यूशन का ही फॉर्म भरेंगे। आगे आपकी इच्छा, आपको कैसा मतलब किस तरीके से, बहुत सारे जैसे कि इस कमेंट को देख करके बहुत सारे बच्चे सोचेंगे चलो हमारे पास पैसा तो ज़्यादा है नहीं, हम यही भर दे रहे हैं स्क्रूटनी का, हो सके क्लियर हो जाए, हो सके ना हो। तो देखिए बैक अगर मान लीजिए जाहिर सी बात है अगर आपकी 500 रुपये में क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 60 रुपये में भी क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 60 रुपये यानी कि स्क्रूटनी की बात करें तो बहुत रेयर केस में बहुत कम लोगों के उतने ही नंबर आते हैं, बहुत कम लोगों के क्लियर होते हैं। यानी कि अगर आपके मान लीजिए कि 12 नंबर ही मिले हैं तो 12 के 12, इसलिए कि आपका डाटा जाहिर सी बात है कोई एग्जामिनर चेक करेगा तो आपका ऊपर का जो डाटा है उसमें कोई गड़बड़ी करेगा नहीं, बस भले क्वेश्चन में आपके अप डाउन हो सकते हैं कि हाँ इस पर दो नंबर देना चाहिए था या चार नंबर देना चाहिए था, उसने आपको दो ही नंबर दिया है, जो दूसरा टीचर चेक करेगा कहेगा कि नहीं इसमें तो चार नंबर बच्चे को मिलना चाहिए, इसमें चार नंबर कर दिया जाए। तो ये काम केवल आपके रिवोल्यूशन में ही होंगे। तो आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे और ये जो आपको कमेंट देख रहे होंगे इस तरीके के फ्रॉड में आप नहीं पड़ेंगे, कोई भी आपसे फ्रॉड कर सकता है या फिर हो सकता है आपके कॉलेज का कोई टीचर ही हो और बाद में कहे कि नहीं पैसा फंस गया है, बोर्ड में ये हो गया है वो हो गया है, इस तरीके से, तो आप इन सब केसेस में नहीं पड़ेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।